Good morning, students. So, what we'll do today in this class? Today, in this class, we'll do our further questions of our chapter number 11th, Fox and an Ash. जो अपना chapter number 11th जो running में था, Fox and an Ash. उसमें हम लोगों ने कुछ questions कर लिए थे, जैसे कि tick the correct option, answer in one word, fill in the blanks, okay? True and false type. ऐसे questions कुछ हम लोगों ने कर लिए थे. Now, what we'll do in today in this class? Today, in this class, we'll solve our further questions. Okay? And our next questions of Questric question F. Answer the following questions in short. क्या करना है? ये जो following questions हैं, इनको आपको short में answer करना है. Okay? Our question first is, what did the ash find one day? एक दिन ash को क्या मिलता है? एक दिन ऐश को क्या मिलता है? द एस फाइंड लायन स्किन वन डे. ओके, क्या मिलता है ऐश को? वन डे द एश फाउंड अ लायन स्किन. ऐश को लायन की स्किन मिलती है. ओके, क्वेश्चन सेकंड, व्हाई डिड द एश फील प्राउड. जो ऐश था वो प्राउड फील क्यों कर रहा था? क्योंकि जब उसने वो स्किन, लायन की स्किन वियर कर ली थी, तो उसके बाद जो भी सारे एनिमल्स जो थे फॉरेस्ट में, वो सब उसे डर के भाग रहे थे. सो द एश फेल्ट प्राउड एज ऑल द एनिमल्स रन अवे इन द फियर. कि सब लोग जो भी एनिमल्स थे, सारे जानवर डर के मारे भाग रहे थे, इसलिए ऐश प्राउड फील करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड द ऐश ट्राई टू डू विद द फॉक्स. जो ऐश था उसने फॉक्स के साथ क्या करने की ट्राई की? सो फॉक्स, जो ऐश जो था वो ये चाहता था कि फॉक्स उससे डर जाए. ओके, सो द ऐश ट्राइड टू फ्रिटन द फॉक्स. जो एक्स एस था उसने फॉक्स को फ्रिटन करने की या डराने की कोशिश की थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. क्या करना है? ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हमें डिटेल में आंसर करना है. ओके, एंड आवर क्वेश्चन फर्स्ट इज, व्हाई डिड ऑल द एनिमल्स रन अवे. कि सारे के सारे जो एनिमल्स थे वो डरकर क्यों भाग गए? ओके, व्हाई डिड ऑल द एनिमल्स रन अवे. सारे एनिमल्स क्यों डरकर भाग गए? द एश वोर द लायन स्किन, सो ऑल द एनिमल्स रन अवे इन द फियर. कि जो एश था उसने लायन की स्किन पहन ली थी. ओके, एश ने लायन की स्किन पहन ली थी, सो जो भी एनिमल्स थे सारे के सारे उसे डरने लगे, क्योंकि उन्हें लगा शायद लायन है एंड ये हमें मार सकता है. ओके, सो इस डर से सारे के सारे एनिमल जो हैं वो वहां से भाग जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डिड द फॉक्स से टू द एश. जो फॉक्स है वो एश से क्या कहता है? ओके, व्हाट डिड द फॉक्स से टू द एश. जो फॉक्स है वो एश से क्या कहता है? द फॉक्स सेड टू द एश, आई नो यू आर नॉट अ लायन. You have the skin of a lion. कि मुझे पता है और मैं जानता हूं कि तुम एक lion नहीं हो, तुम एक lion हो ही नहीं, तुमने only lion की skin wear कर रखी है. तुम्हें कहीं lion की skin मिल गई होगी and तुमने only lion की skin पहनी हुई है. तुम lion नहीं हो, मैं तुमसे नहीं डरता. Okay? Next question third. What did the ash do in the end? जो ash है, okay? वो end of the chapter क्या करता है? So in the end, the ash brayed loudly and kicked the ground and ran away. क्या करता है? जो जो ash है, वो एकदम से उसकी जो brain की जो voice होती है, वो बहुत जोर से loudly speak करता है and वो एकदम से ग्राउंड पर बहुत जोर से वो किक करता है एंड वो वहां से भाग जाता है. ओके, नेक्स्ट क्लू ट्रिक क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग लेटर्स. आपको क्या करना है? यहां पर जो मिसिंग लेटर्स हैं वो आपको फाइंड करनी है.
यू डू फर्स्ट इज यू डू दिस विद योर आईज, आप ये अपनी आंखों से करते हो. क्या हम अपनी आई से क्या करते हैं, देखते हैं, वी सी. सो एस डबल ई सी. ओके, नेक्स्ट यू डू दिस विद योर लिप्स, ये आप अपनी लिप्स से करते हो. लिप्स से क्या करते हैं हम, वी स्माइल. एस एम आई एल ई स्माइल, वी स्माइल विद आवर लिप्स. ओके, थर्ड यू डू दिस विद योर ब्रेन, ये आप अपने ब्रेन से करते हो. हम ब्रेन से क्या करते हैं, वी थिंक फ्रॉम आवर ब्रेन, हम अपने ब्रेन से थिंक करते हैं. सो टी एच आई एन के, थिंक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यू डू दिस विद योर माउथ, ये आप अपने माउथ से करते हो. सो माउथ से क्या करते हैं, वी स्पीक. एस पी ई ए के स्पीक, वी स्पीक विद आवर माउथ. ओके, नेक्स्ट यू डू दिस विद योर लेग्स, और ये आप अपने लेग्स से करते हो. लेग्स से क्या करते हैं हम, वी वॉक. वी वॉक विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स, सो डब्ल्यू ए एल के वॉक. ओके, नेक्स्ट ग्रामर ऑन ट्रिक, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं बेटा, वो वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि नाउन या प्रोनाउन कैसा है, लंबा है, छोटा है, सुंदर है, गंदा है. ओके, इन सब के बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं, तो वो क्या वर्ड्स होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके, द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड. वो वर्ड जो एक नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, वर्ब, नेमिंग वर्ड से भी हमें ज्यादा बताता है. ओके, तो वो क्या होता है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके, डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं. सो इसी के लिए आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज है. ओके, हियर कंप्लीट्स आवर चैप्टर नंबर 11. इफ एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यू कैन आस्क टू मी. ओके, बाय.